अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत होंगे। तो जिन हैं इंतज़ार था कि मेकअप की वीडियो अभी तक अपलोड क्यों नहीं की है, तो जी लो देख लो और बताएं आप लोग कमेंट्स में कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है। अगर आप सब ने इस पर वीडियो पर अच्छे कमेंट्स किए तो इंशाल्लाह मैं आप सबसे और भी पॉलर के मेकअप्स वगैरह शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरी आईब्रोज बनना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर इन्होंने पेंसिल के साथ आईब्रोज बनाई और यहाँ पर मेरा मेकअप भी होगा। जैसा भी होगा आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सब ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है, क्या गलत। और आप सबको जैसे कि पता है मैं ख़ुद ब्यूटिशियन हूँ, तो पहले तो इन्होंने आईब्रोज़ को पेंसिल के साथ जो है ना मेरा शेप दिया है, उसके बाद मिस रोज़ के कंसीलर से इन्होंने मेरे आईब्रोज़ को कंसील किया और उसके बाद करेंगी ये आईज़ मेकअप। और जो है ना इन्होंने मुझे भी ऑफर की थी कि आप यहाँ पर क्लास दें, क्योंकि इन सबको पता है मैं भी ब्यूटिशियन हूँ, मैंने कोर्स किए हुए हैं, क्योंकि इनकी सिस्टर जो है मैम की, वो मेरे साथ उन्होंने मेरे साथ ब्यूटिशियन के कोर्स किए हुए हैं। लेकिन मैं तो भूल गई, क्योंकि 2010 की बात है, ये मैंने 2010 में सीखा था और अब चल रहा है 2023, तो आप सब जानते हैं कितना अरसा हो गया है। मैं तो नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ कब कोर्स किया, लेकिन उनकी छोटी सिस्टर जो है वो अब सेंटर उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है उनकी, और ये जो है ना क्लासेस देती हैं, मेकअप सिखाती हैं, पार्लर का काम सिखाती हैं, और यहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ सीखने के लिए आती हैं। और उनमें एक मेरी कज़न की भी बेटी है जो कि पार्लर का काम सीख रही है, और फिर इन्होंने जो है ना ब्राउन शेड के साथ मेरी विशेष पर जो है ना वो क्या है, और फिर उसके बाद जो है ना ये जो है ना अपना आई मेकअप करेंगी, उसके बाद इन्होंने जो है ना कंसीलर के साथ मेरी आईज़ को कंसील किया और उसके बाद गोल्डन शेड लगाया, उसके बाद फिर ये ब्लैक लगाएंगी। और आप देखते रहिएगा, मेकअप तो अच्छा करेंगी, क्योंकि मेकअप तो इन्हें आता होगा। अगर इनका अपना पॉलर होता तो ये ओरिजिनल चीज़ें रखती, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर तो सब लोकल चीज़ें होती हैं, लड़कियों की होती हैं, लड़कियाँ यूज़ कर रही होती हैं और फिर वो एक दूसरे पर ट्राई कर रही होती हैं, तो वो वाला मेकअप है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। वरना मेरा जो है ना पॉलर अगर मेरा होता तो मैं फिर ओरिजिनल चीज़ें रखती। तो लोकल चीज़ों से इन्होंने मेकअप को जो है ना सिखाया है और किया है। और मैंने ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा हैवी नहीं पहनी, क्योंकि अजान इतना रो रहे थे मेरे साथ, तीनों मेरे बच्चे थे, तो फिर मैंने सोचा बस सही है, मेकअप को फोकस करें, मेकअप देखें और ज्वेलरी वगैरह से कुछ भी नहीं होगा। ना कि मैं सच्ची मुझे क्योंकि दुल्हन थी, बस मैंने सिर्फ मेकअप ही दिखाना था, तो इसलिए मैंने ज्वेलरी वेयर ज़्यादा नहीं पहनी, नहीं की सॉरी। और उसके बाद आप लोगों ने देखे आईज़ मेकअप डन हो गया, इसके बाद इन्होंने हाईलाइट जो है ना कोई सीरम वगैरह मेरे फेस पर अप्लाई नहीं किया, ना ही ओरिएंटल, डायरेक्ट इन्होंने स्टिक लगा दी। स्टिक के बाद मेक का जो ना बेस होता है इन्होंने वो अप्लाई कर दिया, उसके बाद इन्होंने कोई लूज़ पाउडर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट इन्होंने फिर लिपस्टिक पर आ गई और कंटूरिंग इन्होंने आई शेडो पायलट से ही कर दी, ठीक है। बाकी ये है कि आप सब अगर प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आप अच्छी पॉलर वगैरह में जाके अपने जो है ना काम सीखे हैं, जैसे कि हमने भी इसी सेंटर से सीखे हुए थे, लेकिन मैंने कराची में आने के बाद मैंने काफ़ी क्लासेस ली हैं। और शुरू शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल क्लासेस लिए, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं सीखूँ, ट्राई करती रहूँ, जैसे कि मैं मेकअप को देखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। इन्हें भी चाहिए कि इनको क्लासेस लेनी चाहिए, और बाकी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, और अगर ये क्लासेस लेंगी तो ये और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। और आईलैशेस इन्होंने बिल्कुल लोकल ट्यूब से लगाई थी, वो जो है ना बिल्कुल भी नीचे पकड़ रही थी, सारी उतर गई थी। अब हम एक ब्राइडल के करेंगे तो वो इस तरीके से लोकल चीज़ें यूज़ तो नहीं कर सकते ना, हम तो प्रोफेशनल अच्छा चीज़ें यूज़ करेंगे। लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ सिखाने के लिए लोकल चीज़ें इस्तेमाल की, और मेरा मेकअप डन हो गया था। यहाँ पर लग रही थी स्टिक, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर से जाएंगे, फिर से इनसे करवाएंगे और मैं फिर से इनसे मॉडल मेकअप कराऊंगी। और इन्होंने भी मुझे ऑफ़र की कि आप आएँ वली में का मेकअप जो है ना आप सिखाएँ हमारी लड़कियों को। लेकिन ऐसा हुआ कि अरमान का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था और मेरे छोटे मुन्ने के मोशन हो रहे थे, तो फिर मुझे जल्दी से कराची आना पड़ा। बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रहे थे वहाँ पर, और जो है ना फिर मैंने सोचा बच्चे बीमार हो रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम अपने घर चले जाएं। बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था अपने बाबा के बगैर, फिर हम लोग आ गए। और यहाँ पर देखिए मेरा मेकअप डन हो गया, ये देखिए कंटूरिंग के ब्रश देखें आप, ज़रा कट ब्रश से कंटूरिंग हो रही है। और इसके बाद जी है ना मेरे ब्लैक वो पफ के साथ ही ब्लेंड किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आप सबको इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंटूरिंग करना, मेकअप करना
किसी वीडियो में सिखाऊंगी। बाकी ये कि मुझे खुद हल्का सा आता है बहुत ज़्यादा मेकअप करवाते हुए करते हुए, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ मेकअप की। और मैंने 2010 में सीखा था, मुझे 2023 हो गई, अभी तक भी मैं सोचती हूँ कि मैं क्लासेस लूँ, मैं प्रोफेशनल सीखूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, लेकिन बच्चों का साथ है मेरे और इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली हुई, माशाल्लाह ये सिखा रही हैं सेंटर वगैरह में, काफ़ी लड़कियाँ सीखने आ रही हैं और मुझे भी जॉब मिल सकती है, लेकिन मैं वहाँ पर अपनी मम्मी के घर पर नहीं रह सकती, मतलब सईदाबाद में हमारे, क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है कराची में। आप सबको जानते हैं हम लोग तो कराची में रहते हैं, मेरे ससुराल कराची में, तो मैं कैसे सईदाबाद जा कर रह लूँ, तो इस वजह से, वरना मुझे जॉब आराम से मिल जाए, इतना अच्छा मेरा काम है, मेरा मतलब एक्सपीरियंस है। और यहाँ देखें ये पफ के साथ ब्लेंड कर रही हैं और हेयर स्टाइल इन्होंने अच्छा नहीं बनाया था, तो फिर मैंने घर आके खुद ही उस ना बस ऐसे विग अटका दी थी इन्होंने तो, लेकिन मैंने खुद आके फिर घर पर विग वगैरह सेट किया अच्छी तरीके से। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी होती है और बच्चे तंग कर रहे थे, तो इन्होंने इसलिए जल्दी से ना काम किया। और अब ये देखिए डन हो गया है मेकअप वगैरह, बस लिपस्टिक रह गई, लिपस्टिक मैंने खुद लगाई क्योंकि मैंने सोचा मैं लिपस्टिक खुद लगा लूँ लिप्स पर। लिप्स अक्सर बड़े बड़े ब्यूटिशियन से भी ख़राब हो जाते हैं, लिप्स मुझसे भी ख़राब हो जाते हैं किसी ना किसी के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा खैर हुआ नहीं। फिर भी जैसे बहुत सी लोग ये सोचते हैं कि हम लिप्स पे अपने खुद लगाएं, यहाँ देखें मेरा मेकअप हो गया था फाइनल डन और इन्होंने ये हेयर स्टाइल दिया था, पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने घर आके बस विग वगैरह खुद अटैच की और ज्वेलरी मैंने ज़्यादा खुद नहीं पहनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, तो इस वजह से मैंने ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी, बस मैंने ऐसे ही आप सबको मेकअप दिखा दिया अपना। तो आप लोग को मैं उसमें बताया कि कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। इंशाल्लाह मिलूंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेकअप कैसा हुआ है, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट में आपको, इंशाल्लाह अगर इस पर प्यार मिला तो फिर दोबारा से मेकअप करवाएंगे पॉलर से।